हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिवाली आ रही है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। और दिवाली आते ही हम सब सोचने लग जाते हैं कि हम अपने घर को कैसे सजाएं, इस बार की डेकोरेशन कैसी हो। ये वाला दिया आपने बहुत बार देखा होगा, ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। पहले मैं भी इसे मंगाने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे घर पर ही बना लेती हूँ, तो मैंने इसको बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सोचा कि इसको मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं। एक बड़ा दिया लेंगे और उसके साइड में छोटे छोटे दिए लगाएंगे, और फिर हम क्ले ले रहे हैं। क्ले से इसको हम जॉइन कर देंगे जिससे कि ये सब आपस में जुड़ जाए और इसकी एक परफेक्ट शेप जो हमारे को चाहिए वो मिल जाएगी। फिर इसको लगाने के बाद हम इसको अच्छे से सूखने देंगे। 2-3 घंटे के अंदर ये अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फेविकोल की हेल्प से हम इसको लगा देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर बैक साइड में कलर करेंगे। कलर आप अपनी चॉइस से कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने 2 तरह का बनाया है, दोनों पे कलर अलग अलग किया है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। इसके फिर अंदर जो बाउल है उसमें भी कलर करेंगे और दिए के फ्रंट साइड पर भी कलर करेंगे। और कलर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। ये मेरा रेड और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में बन गया है। अब मैं गोल्डन कलर ले रही हूँ और गोल्डन कलर को इसके एजेस पर लगा रही हूँ ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। और इसको भी थोड़ी देर सूखने देंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर मिरर लगा रही हूँ इसके ऊपर, ये देखिए राउंड मिरर। मिरर आप अलग अलग जैसे आपका मन करे वैसे लगा सकते हैं। मेरे पास गोल्डन ये राउंड शेप के पड़े थे, उन्हीं को मैंने लगाया है। अब इस बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए, रोज़ पेटल्स और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालकर इसके अंदर हम बाती जला रहे हैं। तो मैं इसके अंदर ये दी पानी वाले दिए बना रही हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है पानी वाले दिए की, और इसमें मैंने रेडीमेड वाले दिए जला दिए हैं। आप चाहें तो इसमें ऑयल के साथ भी दिए जला सकते हैं, या रेडीमेड जैसे भी आप चाहें वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट लगा, लेकिन कितना सुंदर दिया हमारा बन गया है ये आप देख ही रहे हैं। आपको ये कैसा लगा और अपना व्यू बताइएगा, और अपने घर को अपने हाथों से सामान बना के जब आप सजाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हैप्पी दिवाली।